आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय की 27 विधान परिषद सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो चुकी है। इन 27 एमएलसी सीटों पर 95 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 एमएलसी सीटों से 9 सदस्य पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं जिन 27 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें ज्यादातर बीजेपी और सपा के बीच ही सीधी टक्कर है, तो कुछ जगह निर्दलीय प्रत्याशियों के चलते चुनाव त्रिकोणीय बन गया है। आपको बता दें कि आगरा, बलिया, गोरखपुर, रायबरेली की तस्वीरें हैं ये, जहां पे सुबह से ही मतगणना जारी है और कई प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत आज दांव पे लगी हुई है। आपको बता दें कि बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है, तो वहीं कुछ जगह पे निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जिनकी वजह से ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। कफील खान समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। 27 सीटों पर दोपहर तक फैसला हो जाएगा। तो वहीं जो अभी तक नतीजे सामने आए हैं उसमें ज्यादातर सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो वहीं हमारे संवाददाता ने सपा एमएलसी प्रत्याशी से बात करी है, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमें कोई बेचैनी नहीं है। हमने सत्ता बल को, धन बल को, बाहुबल को नकार कर अपने नेताजी के, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के सम्मान में विभिन्न दलों में काम कर रहे राजनैतिक कार्यकर्ताओं के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए और हमारे जो मतदाता हैं स्थानीय निकाय के, उनके स्वाभिमान को देखते हुए मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया है। लोकतंत्र में जय और पराजय एक दूसरे के हिस्से हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, और मजबूती से डटा हूँ। संग्राम जारी रहेगा, अनवरत चलता रहेगा अखिलेश यादव की नीतियों कार्यक्रमों के साथ। कितना लगे जी, ये बताइए जीत रहे हैं आप? अब देखिए, जीतना है कि क्या परिणाम आना है वो मतपेटी में बंद है, गणना के बाद पता चलेगा। हम फर्जी घोषणाओं में विश्वास नहीं रखते। जो परिणाम आएगा उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे, जीतेंगे तो काम करेंगे, नहीं जीते। तो वही गोरखपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु ने भी जायजा लिया है, देखते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की आज मतगणना होनी है, ऐसे में हम खड़े हैं गोरखपुर के टाउन हॉल स्थित स्ट्रांग रूम में, जहां पे 6 टेबलों पे मतगणना हो रही है। टोटल 22 कर्मचारी इसके लिए लगाए गए हैं और इसमें वैध और अवैध पहले देखने हैं। नामांकन जितने भी वोट पड़े हैं वैध कितने हैं, कितने अवैध हैं। इसके साथ आपको दिखा दें कि स्ट्रांग रूम के बाहर की पूरी तरह से भारी तादाद में फोर्स तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था लगे हुए हैं और यहाँ सारे अधिकारी, जिलाधिकारी से लेकर के SDM तक यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक कर 1000 मत के जो है पेटियाँ बनानी है, इसके साथ ही गड्डी बनाने के टोटल जो है इसकी करनी है। 33 बूथों पे होना है गोरखपुर महाराजगंज के। और आपको बता दें कि 5482 मतदाताओं में से 5365 ने वोट डाले हैं। 1 बजे से 2 बजे के बीच में परिणाम आने की संभावना है। ऐसे में 50% से ज़्यादा मत जिनको प्राप्त होगा वो विजेता साबित कर दिया जाएंगे, उनको घोषित कर दिया जाएगा। गोरखपुर से प्राइम टीवी के लिए हिमांशु श्रीवास्तव। तो सभी जगह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज 27 सीटों पे मतगणना चल रही है। आपको बता दें कि 36 में से 9 निर्विरोध जीत चुके हैं प्रत्याशी। तो वहीं आगरा, बलिया, गोरखपुर, रायबरेली, वाराणसी, इन जगह पे कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं, लखनऊ से विभांशु जुड़ चुके हैं, गोरखपुर से हिमांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, अगर बात करी जाए मुकाबले की तो दिलचस्प मुकाबला लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है, क्या परिस्थिति है इस वक्त, कौन आगे चल रहा है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव हो रहा है जिसमें से 9 से भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत लिया है, वही 27 सीटों पर मतदान चल रहा है। वही अगर वापस लौटे उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ और उन्नाव परिक्षेत्र के, तो यहाँ से प्रमुखता से देखे तो भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र उम्मीदवार हैं, और वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो सुनील कुमार साजन है, क्योंकि 2 यहाँ से MLC चुने गए हैं, 12 साल से एक जिम्मा संभाल रहे हैं जी। तो अगर देखें तो खासतौर पे कि इन दोनों की पैठ अच्छी खासी है, मगर अभी मिली जानकारी के अनुसार रामचंद्र प्रधान आगे चल रहे हैं। वहीं दोपहर तक ये साफ हो जाएगा कि कौन जीतेगा और
कौन उपविजेता रहेगा। वहीं अगर बात की जाए तो प्रमुखता से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है, मगर कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी मुकाबला देते हुए दिख रहे हैं, मगर दोपहर में नतीजे के बाद ये साफ हो जाएगा कि कौन जीता। वहीं अगर लखनऊ उन्नाव परिक्षेत्र की बात करें तो 4018 वोटर हैं और लगभग 18% पोलिंग हुई थी, जिसमें जिला पंचायत सदस्य सभासद आपके लोकल बॉडी के जितने जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे बात की जाए विधायक सांसद, चाहे बात की जाए जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभासद या ग्राम प्रधान, ये 4018 ऐसे वोटर थे जो अपने एमएलसी चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी को चुने, और साथ ही साथ आज दोपहर तक ये साफ हो जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। जी बिल्कुल। हिमांशु, बात करी जाए गोरखपुर की तो वहां पे कितने वोटर हैं, और आपने स्ट्रांग रूम का जायजा भी लिया है, तो अभी तक मतगणना कहां तक पहुंची, कितने प्रतिशत गिनती हो चुकी है? और चौथी तरफ चल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि भाजपा की स्थिति सेल जो है वो आगे चल रहे हैं, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो है पूरी तरह से व्यवस्था जो है कानून व्यवस्था है, क्या केवल की हुई है, इसका डर लगा हुआ है, मीडिया का दबावड़ा है, और दोनों ही प्रत्याशी चाहे अजीत यादव हो या फिर भाजपा की स्थिति, दोनों लोग पहुंच चुके हैं और बाहर जैसे ही खबर मिली है कि आगे चल रहे हैं लोग जोर लगाने के साथ आने, हालांकि प्रशासन ने इनके लिए मनाई की थी, किसी तरह का जुलूस निकालने के लिए मनाई की थी, फिर जोर लगाने का समर्थन आ गया, उसको गेट के बाहर ही रोक दिया गया और अंदर आने की इजाजत नहीं दी। जी हिमांशु, अगर बात करी जाए बाकी दलों के प्रत्याशियों की या फिर निर्दलीय प्रत्याशियों, क्योंकि कुछ जगह से निर्दलीय प्रत्याशी भी अच्छी खासी टक्कर देते नजर आ रहे हैं, तो क्या गोरखपुर में भी कोई ऐसा प्रत्याशी है जो तीसरे नंबर पर हो? हिमांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विभांशु, लगातार गिनतियां चल रही हैं और अब ऐसे में जो आंकड़े हैं वो आगे पीछे नजर आ रहे हैं, बीजेपी की बात करी जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं आगे नजर आ रही है ज्यादातर, तो जो सत्ता पक्ष है उसके लिए क्या आसान रहता है एमएलसी का चुनाव? जी शिखा, आपको बता दें कि आमतौर पर आप इतिहास में देखें तो ये जो एमएलसी का चुनाव होता है इसे सत्ता पक्ष कहा जाता है। आमतौर पर जो जनप्रतिनिधि होते हैं जो चुन के आते हैं वो आमतौर पर इस चुनाव में सत्ता का मतलब एक तत्व रहता है, कहीं ना कहीं अगर देखा क्या तो 42 साल के भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में तो पहली मर्तबा विधान परिषद के अंदर में उत्तर प्रदेश के अंदर में पूर्व बहुमत और बहुमत आ रही है। ये बड़ी उपलब्धि की बात होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि 42 साल के इतिहास में 6 राज्यों में महज होता है और उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर एमएलसी सीटों की बात की जाए तो 100 सीटें हैं और पहली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ आ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो 2017 से 2022 की सरकार में तो उसमें भी भाजपा इससे चूक गई थी कि उन्हें अगर बात की जाए तो चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी अभी बहुमत में थी और ये रिजल्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती है और सीटें अच्छी निकलती है तो पहली मर्तबा वो 42 साल के भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में और विधान परिषद के इतिहास में पहली मर्तबा वो बहुमत बनाने जा रही है। वही अगर बात की जाए इस बार कांग्रेस और बीएसपी और तमाम छोटे दल थे जो विधान परिषद का चुनाव लड़ते थे, चाहे बात की जाए निर्दलीय प्रत्याशियों की, तो इनके लिए कहीं ना कहीं एक बुरी खबर है क्योंकि इस बार देखा जाए तो जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से सीधे है और कहीं कुछ सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी सामने है। तो देखने वाली बात कि देर शाम जब रिजल्ट आता है तो किसको कितनी सीटें मिलती है और क्या जो अगर देखा जाए तो वाराणसी और आजमगढ़ में भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पे कही जा रही है क्योंकि अगर बात की जाए तो आजमगढ़ एक ऐसी लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, आजमगढ़ जिले की बात की जाए तो वहां से समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप की है जी। तो कहीं शायद जाकर लोकल बॉडी जो सभासद है, पंचायत सदस्य है या क्षेत्र उनसे अपनी बातों को
रखने में जहां जहां पे भी क्लीन स्वीप हुआ है तो वहां पे चुनाव प्रभावित हो रहा है कहीं ना कहीं, एक एक तरफा चुनाव के परिणाम जा रहे हैं। हिमांशु, अगर बात करी जाए सपा और बीजेपी इन दोनों पार्टियों के बीच टक्कर मानी जा रही है, अगर बाकी दलों के प्रत्याशियों की बात करी जाए तो कुल गोरखपुर में कितने प्रत्याशी उतरे थे और तीसरे नंबर पे कौन नजर आ रहा है? हिमांशु आपको रोकना चाहेंगे, आपकी आवाज हमें सही नहीं मिल पा रही है। विभांशु आपसे सवाल करना चाहेंगे, जिस तरह से क्लीन स्वीप की बात अभी आपने करी, जहां जहां पे भी क्लीन स्वीप हुआ है वो चाहे सपा ने करा हो बीजेपी ने करा हो, तो उन जगह की अगर बात करी जाए तो क्या एक तरफा ही वहां के परिणाम आने वाले, क्योंकि वहां पे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं तो वो एक तरफा ही वोट करने वाले हैं? जी आपको बता दें कि 5 जगहों पे समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप की है उत्तर प्रदेश में, 5 जिलों में पूरी जो सीटें हैं विधानसभा की वो निकाली है। वहीं भाजपा लगभग दो दर्जन से ऊपर सीटों जिलों में अपने क्लीन स्वीप की है, तो कहीं ना कहीं इन जगहों पे अगर देखा जाए तो जो क्लीन स्वीप किया उसका कहीं ना कहीं वर्चस्व रहेगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो उसके तमाम विधायक और जो भी विधायक है और साथ ही साथ जिला पंचायत सदस्य है, BDC है, ये जाकर लोकल बॉडी से अपनी बात को कहने में कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकते हैं। और आमतौर पर ये देखा जाता है कि माहौल जिसके प्रति रहता है उनकी विधान परिषद की सीट होती है जी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसी जगहों पे मुकाबला साफ होगा। और वहीं अगर बात की जाए पिछले चुनाव की, तो आज से ठीक 6 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को विधान परिषद में 0 सीटें मिली थी। वही अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी जो की सत्ता में थी वो बहुमत के साथ विधान परिषद में अपना दबदबा बनाई थी। बसपा को 2 सीटें मिली थी और निर्दल को 2 सीटें मिली थी, साथ ही साथ कांग्रेस को भी 2 सीटें मिली थी। मगर इस बार के चुनाव में अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी और बसपा पूरी तरह मैदान छोड़कर निकल चुके हैं और समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच का मुकाबला देखने को मिल रहा है। वही अगर बात की जाए तो 9 सीटों पर निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत चुके हैं और 27 सीटों पर मतगणना जारी है। अगर भारतीय जनता पार्टी द्विवेदी भी इस बार MSP चुनाव में मैदान में है। वहीं अगर बात की जाए तो गोरखपुर राजनीतिक मामले में सुप्रसिद्ध चेहरे निकल के बाहर है, तो डॉक्टर कपिल भी इस बार देवरिया और कुशीनगर परिक्षेत्र से प्रत्याशी हैं जी। तो कहीं ना कहीं शिकार देखे तो इस बार का जो विधान परिषद चुनाव है तो वो काफी रोमांचक है और नतीजे भी काफी रोमांचक होंगे। आने वाले नतीजों के बाद हम ये कह सकेंगे किसको कितनी सीटें मिली जी। बिल्कुल हिमांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हिमांशु जी, सिखा जी प्रश्न दोहराए जी। हिमांशु, अगर बात करी जाए गोरखपुर में प्रतिष्ठा की, तो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे लेकिन एक तरफा चुनाव हो रहा है सपा बीजेपी के बीच, बाकी कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा आज गोरखपुर में दांव पर है? जी सिखा, आपको बता दें यहाँ पे मुख्य रूप से 2 ही प्रत्याशी हैं, भाजपा के CP चंद हैं और इसके साथ ही साथ सपा से रजनीश यादव हैं जिनमें लड़ाई है, लेकिन 3 राउंड में जो गणना हुई है इसके बाद से ही रुझान सामने आने लग गए हैं, 4th राउंड की चल रही है और ऐसे में भाजपा के CP चंद आगे चल रहे हैं रजनीश यादव से जी। तो क्या बाकी पार्टी के कोई प्रत्याशी जो की टक्कर दे पा रहे हो इन दोनों को तीसरे नंबर पर हो? यहाँ मुख्य रूप से आपको बता दें सिखा, 2 ही प्रत्याशी हैं, तीसरा कोई ना निर्दलीय उतरा है, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर और योगी आदित्यनाथ में लोगों की आस्था है, ऐसे में किसी भी पार्टी से या फिर निर्दल भी कोई नहीं उतरा है प्रत्याशी, सिर्फ मुख्य रूप से 2 ही प्रत्याशी उतरे हैं भाजपा से CP चंद, और ये पहली बार होगा जब भाजपा के जो है विधान परिषद में सदस्य ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ सकेंगे जी। अगर बात करी जाए वोटर्स की, तो कितने वोटर्स रहे थे इस चुनाव में? जी वोटर की बात किया जाए तो 5,482 वोटर्स थे पूरे विधान परिषद चुनाव में जी। तो क्या लग रहा है, क्या बीजेपी ही एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की तरह MLC चुनाव में भी जीत हासिल करेगी गोरखपुर से?
जी बिल्कुल, आपको बता दे सीखा कि यहाँ पे रुझान सामने आना शुरू हो चुके हैं, सीपी चंद आगे चल रहे हैं, ऐसे में उनके समर्थक जो हैं ढोल नगाड़े के साथ बाहर आ चुके हैं, हालांकि उनको गेट के अंदर नहीं आने दिया गया है और पूरी तरह से उन्हें बाहर ही रोक दिया गया है। तो ऐसे में आपको बता दे कि समर्थक अभी भी ढोल ताशे के साथ नाच रहे हैं, खुश रहे हैं, हर्ष का उल्लास कर रहे हैं, लेकिन उनको हालांकि प्रशासन की तरफ से किसी तरह के जुलूस इत्यादि की जो है आदेश नहीं था, उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था, उसके बावजूद उनके समर्थक जो है आकर के यहां पर ढोल ताशे के साथ खुशी मनाने लगे। जी तो कितने बजे तक रिजल्ट सामने आ जाएगा हिमांशु? जी बिल्कुल, बता दे गोरखपुर महाराजगंज का जो है ये पूरा रिजल्ट जो है ये पूरी तरह से आपका 2 बजे तक सामने आ जाएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किसकी जीत है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आज चुनाव हो रहा है और अगर बात करी जाए यूपी के सभी जिलों की जहां पे आज मतगणना हो रही है, 27 सीटों पे मतगणना हो रही है हिमांशु, तो किस तरह से देख रहे हैं इसे? जी बिल्कुल, आपको बता दीजिएगा कि 9 सीटें बीजेपी की जो है पूरी तरह से सुरक्षित हो गएगी, जिसको निर्विरोध मानता जा रहा है कि बीजेपी निकाल ली है, और ऐसे में जितनी भी 27 सीटों पे लड़ाई है उनमें जो है कहीं ना कहीं सपा से टक्कर उसको जरूर मिल रही है, कहीं कहीं निर्दलीय भी दे रहे हैं, लेकिन भाजपा अधिकतर सीट निकाल रही है। और जिस तरह से जो विधानसभा चुनाव हार गए हैं ऐसे बड़े चेहरे, उन्हें माना जाता है कि एमएलसी चुनाव के लड़ा के जिताया जाता है और उसके बाद उन्हें वापस उनकी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, लेकिन अगर बात करिए केशव प्रसाद मौर्य की, तो उन्हें एमएलसी चुनाव नहीं लड़ाया गया है, इसे किस तरह से देखते हैं हिमांशु? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सीखा, प्रश्न दोहराएं। जी तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव जो प्रत्याशी हार जाते हैं और लेकिन अगर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देनी होती है तो एमएलसी चुनाव जिता के उन्हें एक बार फिर से उनका कार्यभार सौंप दिया जाता है, लेकिन अगर बड़े चेहरों में बात करें केशव प्रसाद मौर्य की, लेकिन उनको एमएलसी चुनाव ये वाला नहीं जिताया गया, हालांकि उनका भी कार्यकाल शेष है, तो इसे किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, किसी बड़े चेहरे को विधानसभा में लाना होता है या कोई पद देना होता है तो ऐसे में विधान परिषद से जो है उनको चुनाव लड़ा करके एमएलसी पद से उनको भेज दिया जाता है, चाहे वो सीएम पद पे योगी आदित्यनाथ रहे हो पिछले बार या फिर केशव प्रसाद मौर्य, हालांकि केशव प्रसाद मौर्य का अभी कार्यकाल शेष है तो ऐसे में वो भी खत्म ही हो रहा है, और इसके साथ ही इस बार ऐसा लगता है कि किसी बड़े चेहरे को नहीं उतारा गया है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार ऐसे बड़े चेहरों को अलग करना चाहती है, दरकिनार चाहती है, कोई मुख्य भूमिका में नहीं लाना चाहती है। जी हिमांशु, बीजेपी की बात करें या फिर सपा की बात करें, बड़े चेहरे हैं जिनकी आज साक दांव पे लगी है, तो विधानसभा चुनाव में तो अच्छा प्रदर्शन किया था बड़े चेहरों ने, एमएलसी में क्या ऐसा हो पाएगा कि अपनी साख बचा पाएंगे बड़े चेहरे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांटे की जंग है, कांटे की टक्कर है, और सपा और भाजपा की कई जगह ऐसी टक्कर है कि जिसमें बड़े चेहरे अपनी साख बचाने में लगे हुए, कई बड़े चेहरों की जो है साख दांव पे लगी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी लखनऊ से और हिमांशु गोरखपुर से जुड़े थे, तो दोनों ही संवाददाताओं ने आज जो मतगणना हो रही है एमएलसी चुनावों की, 27 सीटों पर मतगणना हो रही है, हालांकि 36 सीटों पर चुनाव था जिसमें से 9 सीटों पर बीजेपी ने निर्विरोध जीत हासिल करी है, क्योंकि या तो उन सीटों पर किसी अन्य पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे या फिर सपा ने जो उतारे तो उनके पर्चे दाखिल नहीं हो सके, जिसकी वजह से बीजेपी को 9 सीटों पर निर्विरोध जीत मिली, तो वहीं 27 सीटों पर वोटिंग हुई 10 तारीख को और आज यानी 12 तारीख को मतगणना हो रही है, सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू हो चुकी है और अब धीरे धीरे रुझान आना भी शुरू हो गया है। कई ऐसी सीटें हैं जिनमें बीजेपी आगे चल रही है और कहीं कहीं पे बीजेपी सपा के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी जो उतरे हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी की वजह से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, तो काफी दिलचस्प ये मतगणना देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सत्ता में होती है पार्टी उसकी तरफ ही ज्यादा से ज्यादा रुझान जाते हैं, वोट पड़ते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और इस खबर पे हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता अजय जुड़ चुके हैं। अजय, रायबरेली की बात करी जाए तो वहां पे अभी तक कितने प्रतिशत मतगणना हो चुकी है और कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो कि आगे चल रहे हैं और टक्कर दे रहे हैं? रायबरेली की जाए तो आपको पता चले कि यहाँ पर जो है अंदर से पता चल रहा है कि शायद जो है मतगणना पूर्ण हो चुकी है और भाजपा प्रत्याशी एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह 2300 वोटों से, मतलब 2300 उनको कुल मिले हैं, और जो सपा प्रत्याशी थे उनको 130 वोट मिले हैं, जो अभी मतलब परिणाम देना बाकी है और ऐसी खबर वहां अंदर से आ रही है। जी तो क्या देखने को मिल रहा है इस बार जो चुनाव हुए वो पिछले चुनावों से कितने अलग है? अजय,
बहुत अलग है, क्योंकि एक तरफा देखिए भाजपा सरकार तो एक तरफा जीत कही जाएगी इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सपा सरकार जो सपा यहाँ पर प्रत्याशी है उनको सपा कार्यकर्ता है उनको लेकर एक आक्रोश सामने आया है कि जो है मैदान में जो लड़ाई थी वो मैदान में निकले ही नहीं, प्रचार प्रसार के लिए निकले ही नहीं। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है एक तरफा जी। अन्य प्रत्याशियों की बात करी जाए तो उनके बारे में क्या कहेंगे, कई पार्टियों ने तो अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, तो वहीं कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। रायबरेली की बात करी जाए तो कैसी स्थिति है यहाँ पर, जो है दो प्रत्याशी निर्दलीय थे, एक ने समर्थन दे दिया था भाजपा को और एक है बीरेन्द्र यादव जी, वो जो है अभी भी है लेकिन उनका कुछ अभी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो ही टक्कर दिया जा रहा है सपा और भाजपा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हर एक मतगणना की अपडेट पर नजर बनाए रखिए, आम जानकारी देते रहिए। अजय वहां से संवाददाता अजय राय बरेली से जुड़े थे, तो धीरे धीरे रुझान आना सामने भी हो गए हैं और जो नतीजे वो भी अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, फतेहपुर से भाजपा के अविनाश सिंह जीते, रायबरेली से भाजपा के दिनेश सिंह जीते, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां जीत दर्ज होती नजर आ रही है। प्रतापगढ़ से भाजपा के हरि प्रताप जीते, सीतापुर से भाजपा के पवन सिंह चौहान जीते, बड़ी खबर सामने आ रही है। फतेहपुर से भाजपा के अविनाश जीते, फतेहपुर रायबरेली परिणाम घोषित नजर आ रहे हैं। फतेहपुर रायबरेली सीतापुर भाजपा की तरफ जाती नजर आ रही है सीट, जहां जीत दर्ज कर ली है भाजपा ने। फतेहपुर से भाजपा ने जीत दर्ज की, रायबरेली से भाजपा के दिनेश सिंह ने जीत दर्ज की, प्रतापगढ़ से भी भाजपा ने जीत दर्ज की, सीतापुर से भी भाजपा के प्रत्याशी जीते। फतेहपुर भाजपा ने जीती है, रायबरेली भी भाजपा के खाते में गई, दिनेश सिंह जीते। प्रतापगढ़ से हरि प्रताप जीते जो कि भाजपा के प्रत्याशी, सीतापुर से भाजपा के पवन सिंह चौहान जीते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां अब जीत भी सामने आ रही है, रायबरेली से भाजपा के दिनेश जीत गए हैं, प्रतापगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी जीते, सीतापुर से भी भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की, बड़ी खबर सामने आ रही है। रायबरेली से भाजपा के दिनेश सिंह जीते, प्रतापगढ़ से भाजपा के हरि प्रताप जीते, सीतापुर से भाजपा के पवन सिंह चौहान जीते, फतेहपुर में भाजपा ने जीत दर्ज की, अविनाश सिंह जीते, रायबरेली से भाजपा के दिनेश सिंह जीते, प्रतापगढ़ से भाजपा के हरि प्रताप जीते, तो परिणाम भी घोषित हो रहे हैं। सीतापुर से भाजपा के पवन सिंह चौहान जीते, फतेहपुर से भाजपा के अविनाश सिंह जीते, रायबरेली से भाजपा के दिनेश सिंह जीते, प्रतापगढ़ से भाजपा के हरि प्रताप जीते, आगरा बलिया गोरखपुर रायबरेली की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार गिनती जारी है जहां परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं। कई सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है, पहले ही 9 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है बीजेपी, तो वहीं सीतापुर से भाजपा के पवन सिंह चौहान जीते हैं, भाजपा के खाते में गई है यह सीट। प्रतापगढ़ में भी भाजपा को जीत मिली है, तो कई सीटों पर रुझान आने शुरू हो गए हैं। प्रतापगढ़ पे से हरि चौहान जीते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। अलग अलग जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिलचस्प होता नजर आ रहा है आज का मतगणना, क्योंकि जिस तरह से चुनाव हुए एमएलसी के, एक तरफा नजर आ रहे हैं ये परिणाम। और आगरा से हमारे साथ संवाददाता जिशान अहमद जुड़ चुके हैं। जिशान, आगरा में जिस तरह से गिनतियां चल रही हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है अभी तक, कितने प्रतिशत गिनतियां हो गई है, कितनी देर में परिणाम घोषित हो जाएंगे? मैं आपको बता दूं, आगरा पूरे वार्ड सीट पर मुख्य राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से दिलीप यादव को प्रत्याशी बनाया है, वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी से तो भारतीय जनता पार्टी से विजय सेवड़े को प्रत्याशी बनाया है। अगर हम बात करें मतगणना की तो मतगणना की गिनती शुरू हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी से विजय सेवड़े आगे चल रहे हैं। कह सकते हैं कि विजय सेवड़े की जीत बिल्कुल निश्चित हो चुकी है जी। क्या कुछ ही देर में परिणाम सामने आ जाएंगे? और जिस तरह से इस वक्त विधानसभा चुनाव हुए बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करी, क्या उसी की वजह से बीजेपी के ज्यादातर प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं?
आप सुन पा रहे जिशान मुझे? जी जी, तो जो ये जीत बीजेपी के खाते में जा रही है, ज्यादातर सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, तो क्या सत्ता में होने का असर पड़ रहा है इस चुनाव पे? जी मैं बिल्कुल बता, एक महानगर जिला है आगरा में, भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक बीजेपी के हैं, चली जाए 2 सांसद भी बीजेपी के हैं, अगर बात की जाए तो मेयर भी यहाँ पर बीजेपी के हैं और सैकड़ों पार्षद भी यहाँ पर बीजेपी के हैं, तो निश्चित है कि विजय सेवरे जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं देखा यह जा रहा है कि उनकी जीत, अब तो खबर ये भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी से आगरा फरीदाबाद के प्रत्याशी विजय सेवरे को जीत मिल चुकी है। विजय सेवरे 3471 वोट लाए हैं और सपा से दिलीप यादव 205 मत लेकर आए हैं, विजय सेवरे को भारी मतों से जीत भी मिल चुकी है। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई जहां बीजेपी प्रत्याशी जीत चुके हैं। जी, कितने वोटों से जीते हैं बीजेपी प्रत्याशी? विजय सेवरे को 3471 वोट मिले हैं, टोटल अगर बात की जाए तो 3340 मतों की गिनती हुई है, जिसमें से 3471 विजय सेवरे को मिले हैं और सपा से दिलीप यादव को 205 और अन्य दलों की अगर निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें तो मिस्टर अंबेडकरी को 12 और निर्दलीय मिस्टर तिरमीर को 30 वोट मिले हैं, निर्दलीय विमल को 22 मत मिले हैं। जी बिल्कुल, अच्छा प्रदर्शन किया है अन्य दलों ने भी, लेकिन बीजेपी को जीत मिल चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर में हमारे साथ आगरा से जिशान जुड़े थे। तो बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है, 3471 वोटों से जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करी है, तो वहीं सपा के प्रत्याशी को दूसरे स्थान मिला है, अन्य के खाते में भी कुछ वोट गए हैं, लेकिन जीत मिली है बीजेपी को। आगरा में भी जीत दर्ज कर ली है बीजेपी ने। बड़ी खबर सामने आ रही है, विधान परिषद के चुनावों की मतगणना सुबह से चल रही है, कई जगह पे बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है। और अब हमारे साथ कानपुर देहात से अभय जुड़ चुके हैं। अभय, कानपुर देहात में अब तक कितनी मतगणना हो चुकी है, कितने प्रतिशत और कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने अवनाश सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया था, वही समाजवादी पार्टी की बात करें तो दिलीप सिंह यादव कल्लू यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था। फिलहाल सुबह 8 बजे से जो मतगणना है वो चल रही है। अवनाश सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो आगे बताए जा रहे हैं। अवनाश सिंह चौहान को पार्टी ने अपना प्रत्याशी इसलिए बताया जा रहा है कि बनाया था क्योंकि कानपुर देहात में 4 विधानसभा सीटें थी, जिनमें 4 विधानसभा सीटों पर अवनाश सिंह चौहान ने विजयी प्रत्याशी किए थे, जिसमें लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ की तरफ से देखा जाए तो कानपुर देहात का जो पद है वो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में बढ़ाया गया है, क्योंकि इस बार जो कानपुर देहात में राज्य मंत्री है तो 2 राज्य मंत्री और 1 कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया गया है विधायकों को, तो कहीं ना कहीं अवनाश सिंह चौहान की एक अच्छी भूमिका रही थी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, जिसके बाद अब उन्हें एमएलसी का टिकट दिया गया था और एमएलसी में भी भारी बहुमत से अवनाश सिंह चौहान की जीत हासिल करने की बात अब तक निकल के सामने आ रही है। अगर वोटर्स की बात करें तो कानपुर में कितने वोटर्स रहे इस एमएलसी चुनाव में? एमएलसी चुनाव में वोटरों की बात करें तो कानपुर देहात की बात करें तो कानपुर देहात में 1140 कुल प्रधान थे जिन्होंने मतदान किया है। फिलहाल अधिक से अधिक जो मतदान है वो अवनाश सिंह चौहान में बताया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई ब्लॉकों में देखा गया, कई नगर पंचायतों में देखा गया जहां पर उनके बस्ते ही ने, तो इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवनाश सिंह चौहान की जीत होना सुनिश्चित पाई जाती है। जी, अगर बात करी जाए सत्ताधारी पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं तो उसको देखते हुए क्या लग रहा है, उनकी तरफ से जो वोट गए हैं वो किसके पाले में गए हैं? कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये जो चुनाव होता है ये कहीं पार्टी का ही चुनाव माना जाता है, जो सत्ता में पार्टी होती है तो कहीं ना कहीं उसका जो रोल होता है वो कहीं अहम माना जाता है। फिलहाल कानपुर देहात की बात करें तो 4 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा प्रत्याशी है तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो कहीं ना कहीं जो मतदान हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अवनाश सिंह चौहान के पक्ष में ही माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अब एमएलसी के चुनाव में भी यदि विजयी होती है तो अवनाश सिंह चौहान की विजयी मानी जाती है। जी, जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें सपा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, उनके भी प्रतिनिधि काफी संख्या में है, तो क्या इसी वजह से अच्छी टक्कर देते हुए इस चुनाव में नजर आ रहे हैं सपा के प्रत्याशी?
बिल्कुल, कानपुर फतेहपुर के अलावा यदि अन्य जनपदों की बात करें तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी अच्छा लड़ती नजर आ रही है, लेकिन कानपुर और फतेहपुर की बात करेंगे या कानपुर देहात की बात करेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट थे, जो प्रत्याशी थे, वो दमखम से ही सामने नहीं दिखे कहीं बाजार में। ये जो चुनावी बाजार थी, कहीं ना कहीं इसमें जो प्रत्याशी बड़े प्रत्याशी है, एमएलसी प्रत्याशी पहले रहे हैं कल्लू यादव एक बड़े नेता माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के, पहले भी 6 साल के लिए एमएलसी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अब की बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कल्लू यादव को प्रचार के लिए भी कहीं नहीं देखा गया था। जी, तो इस बार क्या विपक्ष ने अच्छी तैयारी करी थी या नहीं? कहीं ना कहीं विपक्ष ने तैयारी अच्छी की थी, लेकिन कानपुर और फतेहपुर के अलावा अन्य जनपदों की बात करें तो वहाँ पर विपक्ष अच्छा लड़ रहा है, कहीं ना कहीं कई जगह एमएलसी प्रत्याशियों की जीत भी होगी। जी बिल्कुल, कितनी देर में परिणाम घोषित हो सकते हैं? अब है बिल्कुल 12 से 1 बजे के अंतराल जो परिणाम है वो साफ हो जाएगा कानपुर देहात में। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए हर एक अपडेट पे और जानकारी में देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता अभय अवस्थी जुड़े थे कानपुर देहात से। तो कानपुर में भी कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी की जीत मानी जा रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से जनता के, जो सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं और जनता के जितने जन प्रतिनिधि हैं, तो उनके द्वारा बीजेपी प्रत्याशी को ही कहीं ना कहीं जिताया जा रहा है, और साथ ही साथ जिस तरह से बहुमत में अभी तक आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, बीजेपी को ज्यादातर सीटें जाती हुई दिख रही हैं, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, आगरा और अब कानपुर देहात से भी ऐसे ही परिणाम सामने आ रहे हैं जहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी विजय होते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का ही ये चुनाव माना जाता है, जो सत्ता दल में पार्टी होती है उसी के प्रत्याशियों की ज्यादातर जीत मानी जाती है। हालांकि जो सपा है वो भी अच्छी टक्कर देती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफा ही परिणाम जाते नजर आ रहे हैं। और अब हमारे साथ संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं फरुखाबाद से। सुंदरम, फरुखाबाद में किसके पक्ष में ज्यादा नजर आ रहा है ये चुनाव? जी बताना चाहूंगा, फरुखाबाद में इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी पक्ष में नजर आता हुआ आ रहा है कि लगभग 2476 मतों से दूसरे राउंड के बाद वो आगे चल रहे हैं। जी, तो क्या लगता है विपक्ष कितनी अच्छी टक्कर दे पाया है? जी बताना चाहूंगा कि अभी तक जितने राउंड की जो मतगणना सामने आई उसमें लग रहा है कि विपक्ष यहाँ पर बिल्कुल ही यहाँ पर शून्य साबित होता नजर आ रहा है। जो विपक्ष की भूमिका है वो सिर्फ नगण्य साबित हो रही है यहाँ पर, क्योंकि बताना चाहूंगा जो अंतर है वो लगभग 8 से अधिक गुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 8 गुना से अधिक आगे चल रहे हैं। जी, अगर बात करी जाए प्रत्याशियों की, तो कितने प्रत्याशी उतारे गए थे सभी दलों के द्वारा? जी मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो दलों से भारतीय जनता पार्टी से भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष है प्राम सुंदर द्विवेदी, उनको भाजपा ने उम्मीदवार बनाया था। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि सपा प्रत्याशी जो है वो अहमदाबाद से चेयरमैन है, उनको प्रत्याशी बनाया गया था। अन्य किसी पार्टी के द्वारा कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा गया था। एक प्रत्याशी नरेंद्र सिंह यादव निर्दलीय के रूप में यहाँ पर मैदान में है। जी, तो क्या निर्दलीय प्रत्याशी ने अच्छा प्रदर्शन किया, टक्कर दे पाए या नहीं? जी मैं बताना चाहूंगा, निर्दलीय प्रत्याशी को बहुत ही कम मत मिले हैं और वो लगभग अभी तक उन्होंने ये सैकड़ा का भी आंकड़ा नहीं छुपाया है। जी, अगर बात करी जाए परिणाम की, तो कितनी देर में घोषित हो सकते हैं परिणाम? जी परिणाम के लिए जो कयास लगाए जा रहे हैं वो लगभग 1 बजे तक परिणाम आने की संभावना है। जी, अगर बात करी जाए स्ट्रांग रूम के पास की, तो वहाँ पे कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी के ही ज्यादातर प्रत्याशी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या वहाँ पे बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थक भी नजर आ रहे हैं? जी बताना चाहूंगा कि वहाँ पर प्रत्याशी नहीं, लेकिन वहाँ पर मतगणना भी चालू है और जल्द परिणाम आने की संभावना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर अपडेट पर नजर बनाए रखिए सुंदरम, हमें जानकारी देते रहिए। तो हमारे साथ फरुखाबाद से संवाददाता सुंदरम जुड़े थे। तो फरुखाबाद में भी बीजेपी ही बढ़त बनाए हुए है, साथ ही जो सपा के प्रत्याशी है उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अगर बढ़त की बात करी जाए तो बीजेपी फरुखाबाद में भी आगे नजर आ रही है। एक प्रत्याशी निर्दलीय है जिनको ज्यादा मत नहीं मिल पाए हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी अच्छी कोशिश करी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।